नमस्कार, नम्रता टेलरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले डिजाइनर शॉर्ट फैंसी थोड़ा, इसके लिए मैंने रेयॉन का आधा मीटर कपड़ा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। इसके लिए लगने वाले मेजर है लंबाई, सीट घेर और बॉटम। तो मैं लंबाई 14 और सीट घेर 40 और बॉटम है इसका 21। इस मेजर का भी कटिंग करते हैं। अभी कपड़े की खुली साइड है, यहाँ पे फोल्ड नहीं है, ओपन साइड है ये। अब यहाँ से लंबाई लेंगे, लंबाई है 14 प्लस आधा ही सिलाई मार्जिन रखेंगे। 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे सीट घेर का 14 प्लस 2 इंच लेते हैं। सीट घेर है 40 तो उसका 14 आता है 10 प्लस 2 इंच 12। यहाँ पे भी 12 पे मार्क करते हैं। यहाँ से सीट घेर का 14 प्लस 2 इंच लेंगे। बी वाला लाइन ज्वाइन करके लेते हैं। इसके आगे हम 2.5 इंच रखेंगे। अभी यहाँ पे शेप देंगे थोड़ा सा। यहाँ 1/2 इंच अंदर लेके क्रॉस में लाइन करेंगे। अब ये वाला हिस्सा हम कटिंग करके लेते हैं। अब ये वो आगे का पीस, अब हम पीछे का पीस कटिंग करेंगे। यही पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। पीछे के पीस के लिए हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेंगे ऊपर। यहाँ पे ऐसे क्रॉस में ज्वाइन करेंगे। इसके आगे 1 इंच बढ़ा के लेंगे इधर। अभी ये वाला हिस्सा कटिंग करते हैं। अभी हमने पीछे का हिस्सा भी कटिंग करके लिया है। अभी हमारा इसका कटिंग कंप्लीट हुआ है। अभी हम पॉकेट के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। 2 पॉकेट चाहिए हमें इसके लिए। लंबाई हम पॉकेट की 6 रखते हैं। चौड़ाई 7 रखेंगे। यहाँ कटिंग करते हैं। अभी हमें पॉकेट राउंड में चाहिए, इसके लिए नीचे से हम राउंड शेप देंगे। यहाँ 1 इंच ऐसा मार्क करके देंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये नीचे की साइड है पॉकेट की, ऊपर की साइड हमें चौड़ाई पॉकेट की कम चाहिए। तो यहाँ से 1.5 इंच रख के ऐसे क्रॉस में कट करेंगे। पॉकेट हमें थोड़ा फैंसी बनाना है, इसके लिए अभी इसके ऊपर पट्टी लगाने के लिए हम काला कपड़ा निकालते हैं। ऊपर की साइड 6 इंच है, ऐसे 6 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टी निकालेंगे। अभी पीछे का हिस्सा है जो फोल्ड पे आया है, तो उसका हम यहाँ पे फोल्ड है और कटिंग करेंगे। मैंने कपड़ा जो लिया था उसका वीड 58 है, इसके लिए आधा मीटर में हुआ है। अगर आपके पास 58 वीड का नहीं रहेगा तो आपको 1/4 मीटर या 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा।
अब ये पीछे का हिस्सा हुआ। इसे हम अभी यहाँ से सिलाई मारेंगे। और आगे काफी से उसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई मारेंगे। अभी सिलाई मार के लेते हैं। अभी हमने दोनों साइड यहाँ पे सिलाई मार के लिए। अभी ये दो साइड के दो पीस तैयार हुए। अभी हम पहले पॉकेट कंप्लीट करके लेते हैं। पॉकेट के लिए जो हमने कपड़ा निकाला है उसको हम ये वाली पट्टी, ब्लैक वाली पट्टी अंदर के साइड से लगाएंगे। ये पॉकेट का नीचे का हिस्सा है, ऊपर का है। अभी हम यहाँ से ये पट्टी लगा के लेते हैं दोनों पॉकेट में। अभी हमने अंदर के साइड जो पट्टी लगाई है उसको हम अभी सीधे साइड ऐसे मोड़ लेंगे यहाँ पे ऐसे। इसको ऐसे मोड़ के सिलाई मारते हैं दोनों पॉकेट में। यहाँ पे ऐसे सिलाई मार के होने के बाद हम यहाँ पे साइड से ऐसे छोटा सा फोल्ड करके तीनों तरफ से सिलाई मार के लेंगे। अभी ऐसे मैंने दोनों ही पॉकेट तैयार करके लिए। अभी इसके मैंने नॉट बना के लिए है। इसके लिए 12 इंच लंबी और 1.5 इंच पट्टी लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी, और ऐसे उसकी नॉट बना के लेनी है। और इसको ऐसा मोड़ के, मेरे पास ये लंबी है, बाद में इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे दोनों पॉकेट में। अभी ऐसे हमने इसे पिन अप करके लिया। इसके ऊपर बाद में सिलाई मारेंगे। अब ये आगे का पीस है और ये पीछे का पीस है। इसे हम एक के ऊपर एक रख के ये साइड में और ये साइड में सिलाई मार के लेते हैं दोनों साइड। अभी ऐसे दोनों साइड सिलाई मार के हो गई है। अभी हम इसे सीधा करके लेते हैं। और हम पॉकेट यहाँ सेंटर पे लगाएंगे। ये जो हमने सिलाई मारी यहाँ पे, वे पॉकेट यहाँ पे रख के यहाँ से ऐसे सिलाई मारेंगे। और यहाँ बीच में हम तीन चून लेंगे छोटे छोटे और ऐसे सिलाई मार के लेते हैं। एक पॉकेट इस तरफ और एक पॉकेट इस तरफ, यहाँ पे सेंटर पे लगा के लेते हैं। अभी ऐसे दोनों साइड पॉकेट लगा के हो गए हैं। अभी हम नीचे के साइड यहाँ पे बॉटम पट्टी लगाएंगे। तो बॉटम पट्टी मैंने दो निकाला है, 22 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी। वो पट्टी हम अंदर के साइड से लगाएंगे ऐसे यहाँ से। और ये कपड़े को हम छोटे छोटे प्लीट्स लेंगे, ऐसे प्लीट्स लगाते यहाँ तक लगाते जाएंगे। अभी ये हमने अंदर के साइड से ब्लैक पट्टी लगा लिए छोटे छोटे चुन लेके। अभी ये वाला कपड़ा हम इसके ऊपर ऐसा मोड़ के यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई मारेंगे। जैसे ये पैर में करके लिए वैसे ही ये भी हो जाएगा। अभी इसे मोड़ के सिलाई मार के हुआ है, दोनों साइड में ऐसे सिलाई मार के हो गई है। अभी हम उल्टा करेंगे इसे। अभी हम ये वाला हिस्सा सिल के लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार के लेते हैं। अभी हम ऊपर के लिए इलास्टिक कटिंग करेंगे। 36 कम्बर के है, उसके लिए हम 9 इंच कम करके लेंगे। 36 में से 9 कम हो जाते हैं तो 27 इंच बचता है, तो हम 27 इंच इलास्टिक कट करके लेते हैं। अभी हम इस इलास्टिक को यहाँ पे ऐसा पकड़ के यहाँ पे दो चार सिलाई मार के लॉक करके अच्छे से लेंगे। अभी हमने इलास्टिक पे यहाँ पे सिलाई मार के ली है। अभी ये इलास्टिक हम यहाँ पे रखेंगे ऊपर के साइड में, और ये कपड़ा इसके ऊपर मोड़ के ऐसे सिलते जाएंगे। अभी हमारा इलास्टिक डाल के कम्प्लीट हुआ है। अभी हम इसके बीच में भी एक सिलाई मारेंगे। और यहाँ पे आगे का हिस्सा है, यहाँ पे हम एक नॉट डाल लगा के सिलाई मारेंगे यहाँ पे।
ऐसे हमारी लेडीज शॉर्ट कंप्लीट हो गई है। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।